हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट पर। जैसे कि आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से हम एवरीडे किसी का जॉब रिलेटेड वैकेंसी किसी स्टेट में आ जाए या किसी का एडमिट कार्ड रिलीज हो या एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो पहले सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक शेयर भी करिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आज एडमिशन रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है जो कि भद्रक ऑटोनॉमस कॉलेज की तरफ से आया है और आपको वेबसाइट दिख रहा है bhadrakcollege.nic.in। इस साइट में जाने के बाद एडमिशन जो लिखा है आप पर जाएंगे तो बहुत सारे कोर्स आपको दिख जाएगा। तो रिसेंट जो आया है उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो भी पिछले वाला भी था एडमिशन वो भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये देखिए जहाँ पर लिखा है एडमिशन फॉर्म प्रॉस्पेक्टस फ्रॉम बीएससी आईटीएम एमटेक एमबी एमएससी कॉम, ये सब सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, इसका पीडीएफ क्या क्या सब्जेक्ट है कौन है। देखिए डाउनलोड हो गया और आप अब देख पा रहे हैं एमटीएम जो कि मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एमबीए मास्टर बिजनेस मैनेजमेंट, एमएससी सीएस, बीएससी आईटीएम, ये सब टॉपिक का आप अभी एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, देखिए प्रॉस्पेक्टस फुल डाउनलोड हो गया, यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे जो पढ़ना है कॉलेज के बारे में, डिटेल्स में किस प्रकार का फैसिलिटी है क्या है सब कुछ डिटेल्स में। ठीक है, अब जान पाएंगे। तो देख लेते हैं कोर्स फी वगैरह। देखिए मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट जो MTHM कह रहे हैं 50 पोस्ट सीट है टोटल, तो 15,000 आपका आपका इस सेमेस्टर में आ जाएगा। टू ईयर का फोर सेमेस्टर मतलब 60,000 आपका आ जाएगा टोटल कोर्स में। ठीक है, मिनिमम आपका 40% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री का ठीक है एग्जामिनेशन एनी स्ट्रीम फ्रॉम दी रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी एक आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए मतलब ग्रेजुएशन है 40% मार्क होगा तो आप ये कोर्स के लिए एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट अगर कहूँ MBA का तो 64 पोस्ट है, 20,000 पर सेमेस्टर टू ईयर का है। ठीक है, टू ईयर का फोर सेमेस्टर इस हिसाब से आप काउंट कर लीजिए। ये भी ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी एक यूनिवर्सिटी से, परसेंटेज कुछ नहीं जरूरत नहीं। MSc इन कंप्यूटर साइंस अगर आपको करना चाहते हैं तो 64 पोस्ट है, आप इस सेमेस्टर को आपको 15,000 आपका लग जाएगा। टू ईयर का ये कोर्स है फोर सेमेस्टर, बी आप एलिजिबिलिटी होना चाहिए BSc कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT जिसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन साइंस या टेक्नोलॉजी IT ऑनर्स होना चाहिए या BCA हो गई तो आप एडमिशन ले पाएंगे। बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट या BSc IT जिसका टोटल सीट अगर कहूँ तो 50, कोर्स फी आपका 15,000 आ रहा है इस सेमेस्टर को, सिक्स सेमेस्टर टोटल है। ठीक है, थ्री ईयर से और 40% चाहिए आपको मिनिमम। ठीक है, एक्स्ट्रा पर्सनल को काउंट नहीं करते हुए सेकेंडरी में। ठीक है, प्लस टू का ठीक है, BSc IT हो गया। अप्लाई के कैसे करना है आपको देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म कॉम प्रॉस्पेक्टस कैन बी अवेलेबल एट द कॉलेज काउंटर द पेमेंट ऑफ 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ देकर आपको यहाँ पर फॉर्म सारा ला पाएंगे। ठीक है, 10:00 to 5 PM से एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉस्पेक्टस कैन बी ऑल्सो ऑप्टेन पोस्ट पेमेंट, पोस्ट ऑफिस से भी आप मंगा सकते हैं 250 देकर, ये वाला एड्रेस है। ठीक है, सेपरेट फॉर्म सोल भी सबमिटेड सेपरेट कोर्स के लिए, जो अगर आप 2-3 कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अदर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये सब लिखा है, अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, ये सब टॉपिक है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो वही बता रहा हूँ। ठीक है, रिजर्वेशन जिस प्रकार का रहता रहेगा वो दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्वालिफिकेशन तो बताते हैं, उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट आपको देना है। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए। ठीक है, ये वाला डिटेल्स या प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड के ये फॉर्म है देखिए। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स के लिए और ये फॉर्म है, तो आप जाइए अगर आपको एडमिशन लेना है तो पहले जाइए देखिए किस प्रकार का है, डाउनलोड कर पढ़िए फुल नोटिस को। अगर आपको इसमें समझने के लिए कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।